मेरा नाम शिव सागर चौबे है और हमारी जन्मभूमि काशी क्षेत्र है, लेकिन कर्म भूमि श्री क्षेत्र है, जिसे आज भगवान जगन्नाथ जी ने माँ लक्ष्मी को श्री क्षेत्र का नाम दिया था। आज नीलाद्री विजय दिवस है और भगवान जगन्नाथ जी भाई बलभद्र जी बहन सुभद्रा के साथ आज श्री मंदिर में विराजमान होंगे। आज ऐसी एक प्रसंग है कि माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ जी से रूठ जाती हैं और कहती हैं कि कन्हैया आप मुझे छोड़कर यहाँ चले गए और मैं विरह वियोग में यहाँ जीवन यापन कर रही हूँ और हमें अकेला छोड़कर आप चले गए, थोड़ा भी हमें याद नहीं रहा। कन्हैया कुछ याद है हमारी और मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और आज हमें अकेला छोड़कर चले गए हैं, कभी याद भी नहीं किए। तो भगवान श्री कृष्ण को अपनी गलती का आभास होता है और वो माँ लक्ष्मी को मनाते हैं। आज रसगुल्ला, अलंकार, वस्त्र, बहुत सारे अलंकार को लेके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं और श्री मंदिर में प्रवेश करते हैं। आज पूरी को रसगुल्ला का जनक माना जाता है और रसगुल्ला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और पंडित बलराम दास जी महाराज 1500 ईस्वी में दांडी रामायण की रचना किए थे, उसमें अयोध्या कांड में रसगुल्ले के भोग का वर्णन मिलता है और उसे उन्होंने बताया कि आज के दिन भगवान जगन्नाथ जी को रसगुल्ले का भोग लगाया जाता है, माँ लक्ष्मी को साथ में बहन सुभद्रा बलराम जी को, जिससे प्रसन्न होते हैं और देश और एवं यहाँ की जनता को समृद्धि की कामना देते हैं। तो आज पुरी के लोग रसगुल्ला दिवस के रूप में मना रहे हैं और माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा बलराम के साथ यहाँ त्यौहार एवं पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे हर साल यहाँ दर्शन करने का मौका मिलता है और हमारी जन्मभूमि तो काशी है लेकिन कर्मभूमि श्री क्षेत्र है। जब लक्ष्मी को वचन भी देते हैं कि आज के नाम से इसे पूरी धाम के नाम से माना जाता था लेकिन अब श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाएगा, ऐसा वेदों में एवं ग्रंथों में वर्णन है।